शंघाई कमीशन में गुज़श्ता रोज़ मैंगो फेस्टिवल हुआ, जिसमें पाकिस्तानी आमों की मुख्तलिफ इकसाम जो थी वो रखी गई थी, और जो शुरका थे उन्होंने पाकिस्तानी आमों को बेहद पसंद किया, जिसमें सिंदरी आम जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ ने मैंगो शेक पिलाया लोगों को, और इसके अलावा दूसरे स्टॉल जिनमें मलबूसात, पाकिस्तानी मलबूसात, उसको खूब पसंद किया गया, और इसमें सिंधी अजरक और दीगर शॉल भी थी, जबकि पाकिस्तान की ज्वेलरी भी इसमें नुमाइश में रखी गई थी, और ज्वेलरी को ख्वातीन ने ख़ास तौर पर पसंद किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी मसाला जात और चावल जो हैं वो भी इस मैंगो फेस्टिवल का हिस्सा थे, और हाई कमिश्नर ज़ाहद हफीज़ चौधरी ने एजाज़ अनवर साहब से खसूसी तौर पर इसके बारे में बताया। जो भी मैंगो फेस्टिवल में आया उसकी तवाज़ो मुख्तलिफ सिटी से, यानी थाई, मलेशिया, वियतनामी, और इसके अलावा जो नान था जी, रोगनी नान, और स्पेशल बारबेक्यू, और बारबेक्यू में जो थे चिकन था जो कि बेहद पसंद किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टॉल में नेशनल फूड्स ने अपनी मसनूआत रखी हुई थी, जिसमें केचप और मसाला जात भी थे, और जबकि शेज़ान की तरफ से ये जूसेस थे, और जूसेस को भी लोगों ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तानी मसनूआत की भरपूर पेशराई हुई, जबकि सिडनी से आने वाले हमालिया ग्रैनवल ने खसूसी तौर पर स्टॉल लगाया था। इसके अलावा लोगों ने ये जी चटपटे खाने जो हैं वो भी खाए, और उसको खूब एंजॉय किया, और मेले में हमारे हमसाया मुल्क से भी लोग थे, जबकि मकामी जो ऑस्ट्रेलियन हैं उनकी कसीर तादाद भी थी जी। ताज़ा नान जो हैं वो भी लोगों ने मौके पर लगवा कर खाए, और इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ताज़ा नान जो हैं उनके क्या मज़े होंगे। और पाकिस्तान हाई कमीशन में ये ताज़ा नान थे, और ये मुख्तलिफ पाकिस्तानी मसनूआत जी, खेलों का सामान जो था वो भी इस फेस्टिवल का हिस्सा था, जिसमें हमारे बैट और बॉल्स जो है शामिल थे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दूसरी शा भी थी, और मसाला जात जी, मसाला जात का भी एक स्टॉल रखा गया था, जबकि जमशेद ने हलवा पूरी जी खिलाई लोगों को, और मैंगो के शेक बनाकर पिलाए गए। पाकिस्तानी स्टाफ ने भरपूर इसमें शिरकत की और लोगों को तवानाई फराहम करते रहे। पाकिस्तानी आमों का शेक जो है वो बेहद मज़ेदार रहा। इसमें आखिर में म्यूज़िक भी हुआ, जबकि बच्चों के लिए खसूसी जी ये देखें, ये जंपिंग कॉर्ड था, और इसमें बच्चे जो हैं वो खूब महसूस हुए, और बच्चों ने खसूसी तौर पर इसमें हिस्सा लिया, जबकि फेस पेंटिंग भी की गई, जिसमें बच्चे जो है मुख्तलिफ रंगों के फेस भी किया गया जी। लच्छा, ये पाकिस्तान का मशहूर बच्चों का पसंदीदा लच्छा भी इसमें शामिल था, और Assalamu alaikum. It's wonderful to be here at the High Commission of Pakistan in Canberra, enjoying a beautiful day in a beautiful mango festival. My wife and I recently returned from our tour in Pakistan and we thoroughly enjoyed the mangoes there, so it's delightful to be able to be here and enjoy them again. 5 saal se reh rahe hain, 5 saal mein pehli dafa माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा इवेंट था आज पाकिस्तान हाई कमीशन कैनबरा में, और फैमिलीज़ और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है।
और ये पहली दफ़ा है 5 साल में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने मैंगो फेस्टिवल का इनकार किया यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉल्स थे और बहुत बिजी था। हम जनरली ये इतना एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि इतना बिजी होगा, लेकिन माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया है बच्चों ने, फैमिलीज़ ने। पाकिस्तानी मैंगोज़ जो है वो उन्होंने जो है ना धूम मचाई हुई है हर जगह, और अच्छा फेस्टिवल है और इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए और कम्युनिटी को उसी तरह आपस में एंगेज करना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारी जो है प्रदेश में हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं और ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, ये पाकिस्तान एम्बेसी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम अरेंज किया जो मैंगो फेस्टिवल के नाम से है, और नेशनल फूड वालों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एफर्ट किया माशाल्लाह। और मैं खुद कॉन्टिनेंटल ग्रोसरी एंड हलाल वीक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। लोगों ने काफ़ी बड़े तादाद में सपोर्ट किया माशाल्लाह, और इस किस्म के इवेंट को होनी चाहिए, इससे यानी कि मुल्क एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। बड़ी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आई हुई है और मुल्क एक पॉजिटिव इमेज से जा रहा है, और जो आजकल की मुल्क हालात चल रहे हैं लोगों में एक किस्म का यानी कि पॉजिटिव वाइब क्रिएट होता है कि यानी कि देयर इज समवन हु इज़ लुकिंग आफ्टर ईच अदर, जो हमें क्राउड से मालूम हो रहा है यहाँ पे। बस जी सिराज साहब, आज का ये जो हमारा इवेंट है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो 75 साल पाकिस्तान की आज़ादी के पूरे उसे हम सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर 75 ईयर्स पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की डिप्लोमेटिक टाइज के, और फिर पाकिस्तानी मैंगोज़ को हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फॉर द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें हमारे साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया से लोग आए, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस आए, ऑस्ट्रेलियंस हमारे बहुत सारे दोस्त गेस्ट आए, इनके फॉरेन ऑफिस से लोग आए, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट। और फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो यहाँ पे बिजनेसमैन है उन्होंने अपने यहाँ पे जो स्टॉल्स लेके आए ऑफरिंग पाकिस्तानी मैंगोज, पाकिस्तानी फूड, वी हैड पाकिस्तानी म्यूज़िक, तो इट वॉज़ रिमार्केबल जी। बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और अब ये जो हमारा इवेंट है इंशाल्लाह दिस विल बी अ रेगुलर फीचर ऑफ कैनबरा सोशल कैलेंडर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आसमानी सतारे असा मुंडा ओ लेना जेड़ा सिरे विचों अक मारे, असा मुंडा ओ लेना जेड़ा सिरे विचों अक मारे।